आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रदेव की। जब भी हमारी कुंडली में चंद्रदेव खराब होते हैं तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसे देखकर हम जान पाते हैं कि हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रदेव खराब है। मन के कारक है चंद्रदेव, कहते हैं ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अगर हमारा मन हमारे बस में नहीं है, अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रदेव खराब होते हैं, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती, आपने देखे होंगे वो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मन पे काबू नहीं रख पाते, एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते, एक अच्छा निर्णय नहीं ले पाते, लोगों के कहने में ज़्यादा चलते हैं, लोगों की सलाहें ज़्यादा लेते हैं और अक्सर देखा गया है कि बात बात पे धोखा खाते हैं। कहते हैं जब हम अपने मन पे ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं होता, चंद्र का राहु या केतु के साथ ग्रहण योग होता है, आप अक्सर देखेंगे कि उनको मानसिक परेशानियां होती हैं, मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है तो चंद्रमा माता का कारक होता है। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो आप ये देखेंगे कि या तो माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, अगर आपकी माँ है और अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो उनकी सेहत बहुत खराब हो सकती है। और ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बचपन में ही आपकी माँ आपके साथ ना रहें या उनका देहांत हो जाए तो आपको सारी जिंदगी माँ के बिना ही बितानी पड़े। ये सारी परिस्थितियाँ चंद्रमा के खराब होने से पैदा होती हैं हमारी कुंडली में। जिन लोगों का भी चंद्रमा खराब होता है, अगर वो सूरज छिपने के बाद सफ़ेद चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे दही का, चावल का या खीर का, दूध का, तो वो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अक्सर सुनने में आता है कि मेरा पेट खराब है, मेरा स्टमक परमानेंट डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसी परिस्थितियां उन्हीं के साथ होती हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है। तो अगर आप शाम के समय ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें हल्दी मिला लीजिए, अगर दूध पीते हैं तो बच्चे आजकल बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स मिला लेते हैं, तो सफ़ेद चीज़ का रंग बदलिए तभी उसका सेवन कीजिए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है मेंटली डिप्रेस तो होते ही हैं, एपिलेप्सी के भी पेशेंट कहते हैं मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको, पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं, एक अजीब सी बेचैनी रहती है, नींद ना आना ये उनकी समस्या बनी रहती है, एक टाइम में बहुत सारे काम करना चाहते हैं पर जब बहुत सारे काम आप एक समय में स्टार्ट करेंगे तो किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पानी से डर लगता है, जैसे आप कहीं घूमने गए हैं, समुद्र हैं, नहरें हैं, झरने हैं, तो इस तरह की जगहों पे जाने से डरते हैं वो लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है। हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा की स्थिति कहीं भी हमारी कुंडली में कमज़ोर है तो मान के चलिए हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, छोटा सा दुख है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, छोटी सी खुशी है तो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कब किस पल रोना है, कब किस पल हंसना है, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं रहता क्योंकि हमारा मन कमज़ोर है, हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा कमज़ोर है। देखिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है ना तो आपको स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं रह सकती हैं। चंद्रमा क्या है? पानी है। हमारे शरीर के सभी अंगों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आप मान के चलिए पानी की वजह से वो सारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा खराब होता है उनको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहती हैं। खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है, सर्दी बहुत जल्दी लगती है, लंग्स में इन्फेक्शन कहते हैं फेफड़ों में पानी भर जाना, ये भी चंद्रमा खराब होने के लक्षण हैं। साइनस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद ना आना, बेचैनी रहना, बिना बात का सोच विचार रहना, ये सभी समस्याएं पैदा होती हैं चंद्रमा के कमज़ोर होने पर। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी आप महसूस करते हैं कि मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं भगवान शिव की पूजा कीजिए,
भगवान शिव नियंत्रित करते हैं चंद्रमा को। जितनी आप भगवान शिव की पूजा करेंगे उतने आप चंद्रमा से संबंधित परेशानियों से बाहर आएंगे। नमः शिवाय का जाप कीजिए, डेली नमः शिवाय का जाप कीजिए। चांदी पहनिए, चांदी की चेन भी पहन सकते हैं, कड़ा भी पहन सकते हैं आप हाथ में, बैंगल पहन सकते हैं या फिर आप चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं। सोमवार के दिन शिवालय में पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। समय समय पर साल में 3-4 बार रुद्राभिषेक जरूर कराएं। अगर आपको लगता है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, तो सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें। सफ़ेद चीज़ में आप दूध का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। माता समान औरतों का हमेशा आदर करें, अपनी माँ का आदर करें, माता समान औरतों का हमेशा आदर करें। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में लाएंगे तो आपको चंद्रमा से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर कहते ना हमारा मेंटली लेवल ठीक है, अगर हम दिमागी तौर पे, हम इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा कहते हैं मेंटेन्ड हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे निर्णय ले पाता है उसकी ज़िंदगी में कामयाबी कहते हैं उसके कदम चूमती है। तो इन्हीं उपायों को कीजिए, आपके जीवन में खुशी आएंगी, आप एक संपन्नता का जीवन जिएंगे। और अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय माता दी।